नमस्कार बच्चों, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ। जैसा कि हमारी अभी पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में बात हुई थी कि वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द चैप्टर्स विद द टॉपिक वाइज, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकंड लेक्चर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, जिसका नाम है फेडरलिज्म। जो फेडरलिज्म है बेसिकली ये है क्या, आपने देखा होगा जब आपने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, जब आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर को स्टडी किया था, द फर्स्ट चैप्टर वॉज ए पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग हमारा पहला चैप्टर था। पावर शेयरिंग का मतलब है एक तरीके से शक्तियों का बंटवारा होना। और वहाँ पे आपने बेल्जियम के भी बारे में पढ़ा होगा, आपने श्रीलंका के बारे में पढ़ा होगा, और साथ ही साथ आपने और बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ी होंगी। और कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको एक चीज़ नज़र आई होगी कि जो शक्तियों का बंटवारा होता है, If the power are not equally divided, that can be create problem for any particular country. किसी भी देश में जो वहाँ के नागरिक हैं, अगर उनके मध्य शक्तियों का प्रॉपर बंटवारा नहीं होता है, कुछ व्यक्तियों को कुछ खास पावर्स दे दी जाती हैं और कुछ व्यक्तियों को पावर्स नहीं दी जाती हैं। एक तरीके से हम कहें कि डिसबैलेंस ऑफ द पावर, पावर आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पीपल्स ऑफ सोसाइटी। अगर समाज के लोगों के मध्य है, समाज के लोगों के बीच में किसी भी तरीके से शक्तियों का प्रॉपर बंटवारा नहीं होता है, तो वो कहीं ना कहीं एक असमानता को पैदा करता है। उसी असमानता को दूर करने के लिए अलग अलग कंट्रीज में, अलग अलग देशों में सरकारों को चलाने के लिए, टू रन द गवर्नमेंट, द वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम हैव बीन फॉलोड बाई द डिफरेंट नेशंस। अलग अलग नेशंस के द्वारा अलग अलग प्रकार का जो सिस्टम है वो फॉलो किया जाता है। इफ इट टेक द एग्जाम्पल्स ऑफ श्रीलंका, इन श्रीलंका मोस्ट ऑफ द पावर हैज बीन गिविंग टू द सिंघाला कम्युनिटी। सिंघाला कम्युनिटी को सबसे ज्यादा पावर्स दी गई। बिकॉज ऑफ दिस द पीपल दोज हु आर बिलोंग टू द तमिल कम्युनिटी, दे हैव रेज द क्वेश्चंस, एंड बेसिकली दे हैव रेज द क्वेश्चन, और वी कैन से कि उन्होंने एक सिविल वॉर स्टार्ट किया। दे हैव डिमांडेड द सेपरेट तमिल इलम, एक सेपरेट तमिल स्टेट की भी डिमांड उन्होंने रखी। आप उनकी डिमांड्स को मत देखिएगा कि उन्होंने डिमांड्स क्यों रखी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज टू जस्ट नो द रीजन, कारण क्या है कि उन लोगों को इस तरीके की डिमांड सरकार के सामने रखनी पड़ी। उसका मुख्य कारण यह है कि जो मैक्सिमम पावर्स थी, जो ज़्यादातर शक्तियाँ थी, जो शक्तियों का बंटवारा था, वो ज़्यादातर किया गया किसके मध्य, सिंघालाज के मध्य। जब हम चैप्टर्स में आएंगे तो आपको डिटेल में उसमें बताएंगे कि किस तरीके से मैक्सिमम पावर्स जो है सिंघाला कम्युनिटी को दी गई थी, एंड बिकॉज ऑफ दिस द तमिल कम्युनिटी हैव रेज द क्वेश्चन एंड दे हैव डिमांडेड द सेपरेट तमिल इलम, और उन्होंने एक सिविल वॉर स्टार्ट किया। द लॉट्स ऑफ पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइफ, अनेक ऐसे लोग थे जिनकी जान गंवानी पड़ी। तो दिस इज द एग्जाम्पल्स, एक मैंने एक एग्जाम्पल्स आपके सामने शेयर किया है कि किसी भी देश में, किसी भी समाज में, किसी भी धर्म के अंदर, इफ द पावर्स आर नॉट इक्वली डिवाइडेड, या जो अधिकार हैं लोगों के, जो राइट्स हैं, वो इक्वली डिवाइडेड नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो एक अनसेटिस्फैक्शन है, एक असंतोष की जो भावना है, वो लोगों के मध्य जागरूक होती है। तो बिकॉज टू रिमूव दिस काइंड ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, द वेरियस कंट्रीज जस्ट फॉलो द वेरियस टाइप ऑफ सिस्टम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर हम लोग भारत की बात करें, भारत के अंदर जो सिस्टम फॉलो किया जाता है, उसको हम लोग जो बेसिकली बात करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं फेडरलिज्म। इसको फेडरलिज्म को हिंदी में हम लोग बेसिकली कहते हैं कि जो ये संघवाद होता है, इसको हिंदी में हम लोग संघवाद के नाम से जानते हैं। कि संघवाद होता क्या है, अगर हम संघवाद की बात करें, इफ़ यू टॉक अबाउट दैट द फेडरलिज्म, फेडरलिज्म इज ए सिस्टम इन विच द There are two or more level of the government. संघवाद एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पर दो या दो से अधिक लेवल की सरकारें होती हैं। एक वो सरकार होती है जो पूरे देश के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, द वन गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर कंट्री, एंड द सेकेंड फॉर्म्स ऑफ द गवर्नमेंट इज दैट वी कैन से दैट द प्रोवाइंसिस गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट, जो एक तरीके से जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसको देखते हैं, और ये स्टेट टू स्टेट होता है। देयर आर 29 स्टेट, 28 स्टेट्स आर देयर। भारत के अंदर 28 राज्य हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं,
उनके अंदर तमाम ऐसी सरकारें हैं देश के अंदर जो अलग अलग लेवल पे काम करती हैं, अलग अलग लेवल पे अपना देखती हैं काम को। एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि फेडरलिज्म इज ए सिस्टम इन विच देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दो या दो से अधिक स्तरों की सरकारें होती हैं। एक स्तर की सरकारें एक पूरे देश के लिए होती है और राज्य अलग अलग होते हैं, उन राज्यों की सरकारें अलग अलग होती हैं। बट इफ़ यू टॉक अबाउट दैट द गवर्नमेंट विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द एंटायर नेशन, उसके जो जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो उसके जो नेशनल इम्पॉर्टेंस के इश्यूज़ होते हैं, जो एक तरीके से हम कहें कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके लिए वो रिस्पॉन्सिबल सरकार होती है। और इसके अलावा जो और बाकी सरकारें होती हैं जो स्टेट टू स्टेट काम करती हैं, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश में सरकार है, तमिलनाडु में अलग सरकार है, झारखंड में अलग सरकार है, हरियाणा में अलग सरकार है, बट इन सब के बावजूद भी एक सरकार पूरे देश के लिए होती है जो आज हमारे देश में है। एक द वन गवर्नमेंट इज़ फॉर एंटायर नेशन। दिस इज द एक तरीके से जो सिस्टम है हमारे देश का अंदर, ये है द सिस्टम ऑफ फेडरलिज्म, एक संघवाद है जहाँ पे द पावर देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दो या दो से अधिक स्तरों की सरकारें होती हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल्स होता है, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ द फेडरलिज्म, देर इज ए अनदर टाइप ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड यूनिटरी गवर्नमेंट। यूनिटरी गवर्नमेंट मीन्स वी कैन से दैट ऑल द पावर्स आर देयर इन द हैंड ऑफ सिंगल इंडिविजुअल, एक ही लेवल की सरकार होती है जिसके हाथ में सबसे ज्यादा शक्तियां होती हैं। एंड देर इज ए अनदर एग्जाम्पल इज दैट फेडरलिज्म, फेडरलिज्म बेसिकली इज वी कैन से दैट द एग्जाम्पल ऑफ द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, शक्तियों का बंटवारा। All the powers are not there in hand of the central government, even powers are giving to the state government. और unitary government में क्या होता है, ज़्यादातर जो शक्तियाँ होती हैं, जो एकात्मक शासन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें मुख्य रूप से जो मेजर शक्तियाँ होती हैं, जो जो सारी पावर्स होती हैं वो एक ही लेवल की सरकारों के हाथ में होती है। कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में जहाँ पर यूनिटरी सिस्टम चलता है, कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर फेडरलिज्म सिस्टम चलता है। इंडिया इज़ द कंट्री विद 135 करोड़ पॉपुलेशंस, दोज हु रन फेडरलिज्म सिस्टम, जहाँ पर संघवाद सिस्टम चलता है, जहाँ पर दो या दो से अधिक स्तरों की सरकारें होती हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि 135 करोड़ की आबादी जिसमें एक केंद्र सरकार होती है एंड सेकेंड इज द गवर्नमेंट फॉर द स्टेट, जो हमारी प्रोविंशियल स्टेट गवर्नमेंट होती है, वो किस तरीके से काम करती है, हाउ द सिस्टम इज रन, किस तरीके से एक देश का सिस्टम चलता है, कि राज्य सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, केंद्र सरकार की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उन सब के बारे में हम लोग इसमें इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, समटाइम द एग्जामिनर कैन आस्क दैट वॉट इज़ द डेफिनेशंस ऑफ फेडरलिज्म। सो अगेन आई एम रिपीटिंग दैट द फेडरलिज्म इज ए सिस्टम इन विच देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, वन गवर्नमेंट इज आंसरेबल टू द होल नेशंस एंड सेकेंड द गवर्नमेंट इज द स्टेट गवर्नमेंट और प्रोवाइंसेस गवर्नमेंट, दोज हु लुक आफ्टर डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट, जो सरकारों की डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखती है। तो समटाइम द डेफिनेशन कैन बी आस्क बाई द एग्जामिनर एंड वेन, ये वन मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाता है बेटा। अब इसके साथ कई बार एग्जामिनर फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म की भी बात करते हैं, ये कई बार पाँच नंबर में भी क्वेश्चन आता है कि वॉट डू यू मीन बाई फेडरलिज्म एंड वॉट आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट फीचर्स की बात करें कि इसकी जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स है वो क्या क्या होती हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि मैंने आपको बताया, देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दो या दो से अधिक स्तरों की इसमें सरकारें होती हैं, और बेसिकली देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और दूसरी होती है आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। अब अगर हम इसके दूसरे पार्ट को देखें, डिफरेंट टायर ऑफ गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टायर ऑफ गवर्नमेंट हैज इट्स ओन सेपरेट ज्यूरिडिकेशंस इन द मैटर ऑफ लेजिस्लेशन टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने ये बताया कि देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, दो या दो से अधिक स्तरों की सरकारें होती हैं,
और ये जो दो या दो से अधिक स्तरों की सरकारें होती हैं, ये सेम टाइप ऑफ सिटीजन को गवर्न करती हैं, बट इनकी अपनी एक लिमिटेशंस होती हैं, इनकी अपना एक सेपरेट जुरिसडिकेशंस होता है इन द मैटर ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, टैक्सेशन की बात करें, लेजिस्लेचर की बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एरिया है वो क्लियरली स्पेसिफाइड होता है। और ये है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशंस में भी है, कॉन्स्टिट्यूशंस में भी है कि एक तरीके से इनको सेपरेट तौर पर दिखाया गया है कि वॉट आर द पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड वॉट आर द पावर्स ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। सेकेंड थिंग्स अगर हम बात करें, द ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव लेवल ऑफ द गवर्नमेंट आर स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं बार बार आप लोगों से ये कह रहा हूँ कि केंद्र सरकार की ये वाली शक्तियाँ होती हैं, राज्य की जो सरकारें होती हैं उनकी ये शक्तियाँ होती है, ऑल द पावर्स आइदर यू टॉक अबाउट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, इनकी जो पावर्स होती हैं वो दैट आर क्लियरली मैंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें पूरी तरीके से क्लियरली मैंशन इसमें होती हैं, केंद्र सरकार की क्या शक्तियां हैं और राज्य सरकार की क्या शक्तियां हैं वो पूरी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशंस में मेंशंस होती हैं। एंड वन मोर थिंग, इफ आई एम सेइंग दैट द पावर्स आर क्लियरली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस आप ये मत सोचिएगा कि फेडरलिज्म सिस्टम है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर टू द स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ों में ऑर्डर्स नहीं दे सकती है, दे हैव सेपरेट ज्यूरिडिकेशंस, उसका एक सेपरेट एक सिस्टम होता है स्टेट गवर्नमेंट का, वो एक अलग चीज़ है कि दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन, एक डिसेंट्रलाइजेशन है जहाँ शक्तियों को एक तरीके से बांटा गया है। एंड टू रन अ कंट्री इन अ पर्टिकुलर वे, टू रन अ कंट्री इन अ प्रॉपर वे, डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। एक देश को चलाने के लिए जो हमारा डिसेंट्रलाइजेशन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। अब अगर हम इसके और पावर्स की बात करें और हम इसके फीचर्स की बात करें, द कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर ऑफ द डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। एज आई टोल्ड यू दैट द स्टेट गवर्नमेंट हैव द डिफरेंट पावर, सेंट्रल गवर्नमेंट हैव द डिफरेंट पावर, बट माई डियर स्टूडेंट देर इज एक तरीके से ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, देर आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। टू मेक द लॉ, टू फ्रेम द लॉ इज जस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द लेजिस्लेचर। वॉट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर दे आर एग्जैक्टली एग्जीक्यूट और नॉट, टू चेक द सिस्टम, ये एक एग्जीक्यूटिव जो बॉडी होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसको एग्जीक्यूट करना होता है। और जो भी कानून सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, सरकार के तंत्र के द्वारा जो एग्जीक्यूट किए गए हैं, दे आर प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड और नॉट, टू चेक दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जुडिशरी। एक जुडिशरी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की जो पावर्स हैं उसको कोर्ट के द्वारा इंटरप्ट भी किया जा सकता है। जो न्यायपालिका होती है वो सरकार से क्वेश्चंस भी पूछ सकती है, सरकार से जवाब तलब भी कर सकती है। अगर कहीं पर भी न्यायपालिका को लगता है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार समाज के हितों का ध्यान नहीं रख रही है, या समाज के किसी खास वर्ग के प्रति कोई ठीक से स्टेप्स नहीं उठा रही है, और वी कैन से दैट कि जो जनमानस के जो कार्य हैं, जो सोसाइटीज़ के मुख्य कार्य हैं, जो लोगों की आकांक्षाएं और लोगों की अभिलाषाएं हैं, उनको सरकार पूरा करने में विफल है, इन सच सिचुएशन द कोर्ट कैन इंटरप्ट आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। जब हम लोग इसके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू की बात करते हैं, तो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इज ऑल्सो क्लियरली स्पेसिफाइड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो राज्य सरकारें होती हैं उसके लिए भी सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू अलग हैं, और जो केंद्र सरकार है उसका भी अपना सेपरेट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होता है। यानी कि एक तरीके से सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू सबका अलग अलग है, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, और कई बार इसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं कि जो व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट व्हाट आर द मीनिंग ऑफ फेडरलिज्म एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ
फेडरलिज्म, यानी कि फेडरलिज्म क्या है और फेडरलिज्म के जो फीचर्स हैं वो क्या हैं। तो इसको बहुत बहुत अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिकैप्चुलेट करने की कोशिश करूँ, द फेडरलिज्म इज़ ए सिस्टम इन विच यू कैन फाइंड देर आर टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे दो या दो से अधिक स्तरों की सरकारें होती हैं वो फेडरलिज्म सिस्टम होता है। हिंदी में हम इसको कहते हैं कि एक संघवाद, एक तरीके से ए टाइप ऑफ सिस्टम इन विच दैट द पावर आर डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स। जो सरकार की अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं उसमें शक्तियों का बंटवारा होता है, शक्तियाँ बटी हुई होती हैं, ताकि एक देश का जो सिस्टम्स है, खासकर एक ऐसे देश में जिस देश में हम लोग रहते हैं जिसकी आबादी लगभग 135 करोड़ है, उस देश के सिस्टम को प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए, जो भारत का जो जनमानस है उस तक सारी योजनाओं को पहुंचाने के लिए और भारत के हर व्यक्ति की जो समस्याएं हैं उनके सॉल्यूशन के लिए, डिसेंट्रलाइजेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। जो डिसेंट्रलाइजेशन है उसकी बहुत ज़्यादा हमें आवश्यकता है। तो ये एक संघवाद के अंदर आता है। इसके अलावा इसकी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो मैंने अभी आपके सामने डिस्कस किए हैं, देयर आर टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सेपरेट इनका ज्यूरिडिकेशंस होता है, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू इनके अलग अलग होते हैं, और कोर्ट किन्हीं मामलों में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से इंटरप्ट कर सकती है। दूसरी चीज़ अगर आप देखें, इंडिया हैज़ दैट 135 करोड़ पॉपुलेशन विद वेराइटी ऑफ डाइवर्सिटीज़ आर देयर। भारत के अंदर 135 करोड़ की आबादी है और उस 35 करोड़ की आबादी में यू कैन सी दैट द पीपल्स ऑफ यूपी एंड यू कैन सी द पीपल्स ऑफ तमिलनाडु, बोथ आर बिलोंग टू द डिफरेंट स्टेट, बट इन ऑल डिफरेंट स्टेट द वन गवर्नमेंट इज रूल्ड, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। हम देखते हैं कि हमारी अलग अलग भाषाएं हैं, हम अलग अलग धर्मों से बिलोंग करते हैं, हम अलग अलग प्रकार के जो हमारी डाइवर्सिटीज़ हैं, जो हमारे फेस्टिवल्स हैं, दे आर ऑल्सो डिफरेंट, बट इवन हमारी एक आइडेंटिटी है दैट वी आर इंडियंस, हम भारतीय हैं, ये हमारी सबसे बड़ी आइडेंटिटी है। तो कई बार क्या होता है, हम अपनी यूनिटी को भी सिक्योर करने के लिए इस तरीके का सिस्टम बहुत कारगर होता है, जहाँ पर हम अलग अलग भाषाएँ बोलते हैं, अलग अलग हमारे खान पान हैं, अलग अलग हमारे फेस्टिवल्स हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वी हैव आर ओन आइडेंटिटी दैट वी आर इंडियंस एंड वी आर अंडर वन गवर्नमेंट रूल्स, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारी स्टेट की गवर्नमेंट हो सकती है, राज्य सरकारें अलग हो सकती हैं, प्रोवाइंसेस गवर्नमेंट हो सकती है, लेकिन पूरे एंटायर नेशन के लिए एक सरकार होती है, दैट इज सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट, जो हमारे संघवाद के अंदर ही आता ही है। और ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अगर हम इसकी और अन्य फीचर्स की बात करें, जो दूसरा है, इसके अलावा कुछ और भी फीचर्स हैं, और ये संघवाद में अलग अलग तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि जिन देशों में इस प्रकार के सिस्टम है, जहाँ पर दो या दो से अधिक लेवल की सरकारें हैं और जहाँ पर एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट अलग होती है, स्टेट गवर्नमेंट अलग होती है, यही है, मतलब कि इसी तरीके से संघवाद होता है। इसका एक अन्य और दूसरा फीचर्स भी है। सपोज़ दैट कि कई बार क्या होता है कि जो एक बहुत बड़ी बिगर यूनिट्स होती है, बिगर यूनिट्स एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि दे कैन डिवाइड द पावर इनटू द डिफरेंट एंगल्स। आप मेरे साथ को देखेगा, द पावर आर डिवाइडेड हेयर हेयर एंड हेयर, दिस इज दैट वी कैन से दैट द पावर आर इक्वली डिवाइडेड इंटू द डिफरेंट स्टेट्स। पावर्स इक्वली डिवाइडेड होती हैं डिफरेंट स्टेट्स में। दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ फेडरलिज्म, लेकिन इसको हम थोड़ा सा अलग नाम देते हैं और बेसिकली इसको हम कमिंग टूगेदर फेडरेशन फेडरलिज्म का नाम देते हैं। द पावर आर डिफरेंटली डिवाइडेड बट दीज आर कंट्रोल बाय हेयर। अगर हम मुट्ठी बंद करते हैं तो एक तरीके से हम देख सकते हैं कि ये कंट्रोल्ड में है। This is also the examples of coming together federalism, जहाँ पर power equally divided होती हैं और बाद में वो सभी का जो control होता है वो एक हाथ से होता है। हम अमेरिका इसका एक example आप दे सकते हैं, स्पेन का हम इसका examples दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो हमारा examples हैं वो है holding together federalism, this is also the part of federalism। holding together federation की बात करें, जहाँ पर जो powers हैं वो डिवाइडेड होती हैं, डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ सिस्टम होता है, शक्तियों का बंटवारा होता है अलग अलग लेवल पे, और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम इसको देखें, इसमें द सेकंड रूट इन्वॉल्व वेयर द जो हमारा सेकंड रूट है
वंश। द सेकेंड रूट इज वेयर लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट एंड द नेशनल गवर्नमेंट, जहाँ पर बेसिकली होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की अगर हम बात करें, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन बेसिकली प्रैक्टिस इन द लार्ज कंट्रीज, या वी कैन से दैट कि द कंट्रीज विद द ह्यूज पॉपुलेशन, जहाँ पर द कंट्रीज आर डिवाइडेड इन टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स और स्टेट्स, जहाँ पर अलग अलग स्टेट्स को सरकार के द्वारा शक्तियाँ प्रदान की जाती हैं, डिवाइड की जाती हैं, ताकि उस देश का जो सिस्टम होता है पूरी तरीके से चल सके। टू रन द कंट्री बोथ टाइप ऑफ फेडरेशन इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, आइदर यू टॉक अबाउट द एग्जाम्पल्स ऑफ अमेरिका, आप अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर शक्तियों इक्वली डिवाइड की गई हैं, और इसके अलावा और अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी एक देश को चलाने के लिए, एक सिस्टम को चलाने के लिए यहाँ पर जो पावर्स हैं उसको स्टेट्स में और जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं उसमें बांटा गया है। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि द परफेक्ट एग्जांपल्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर जस्ट कम्स अंडर होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। तो फेडरेशन मीन्स वी कैन से बेसिकली दैट एक तरीके से डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण हम इसको कह सकते हैं, शक्तियों का बंटवारा कह सकते हैं। और जिस किसी देश में भी, जिस देश में भी, जिस कंट्रीज में भी इस तरीके से शक्तियों का प्रॉपर तरीके से बंटवारा होता है, वो देश धीरे 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 अपनी जो एक जो सिस्टम है, जो एक एक लेवल है, उससे ऊपर उठता जाता है। आज हम लोग विकासशील देश की श्रेणी में हैं, और जो हम सिस्टम फॉलो कर रहे हैं तो धीरे धीरे हम अब एक ये जो प्रोग्रेस है उसकी तरफ आगे बढ़ते जाते हैं। तो आज के लिए माय डियर स्टूडेंट इतना ही। आप यू आर सपोज टू स्टडी अबाउट दैट व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ फेडरलिज्म एंड व्हाट आर द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड मैनी टाइम्स बोर्ड हैज़ आस्क सेम क्वेश्चन, समटाइम इन 3 मार्क्स एंड समटाइम इन 2 मार्क्स। कई बार इसको 3 मार्क्स में पूछता है और कई बार इसको 2 मार्क्स में भी डेफिनेशन आ जाती है, या 1 मार्क्स में भी कई बार 1 वर्ड के रूप में भी आ जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।